हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है, मैं आई हूँ अपने द्वार पे और मैं यहाँ खटिया के पास बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा लेटी हुई हूँ। कभी कभी मन थोड़ा सा उदास होता है तो मतलब नेचर के साथ बैठना अच्छा लगता है। जब प्रकृति के साथ आप बैठोगे ना शांत वातावरण में, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब लगता है सारे टेंशन से मुक्त हो गए हैं। देख सकते हैं कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं खटिया पर लेटी लेटी कुछ कुछ सोच रही हूँ। एक्चुअली कल का व्लॉग आप लोग देखे होंगे और उस पर ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट कुछ लोगों ने किया है कि वो सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा हर्ट करी है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसके जैसे सोच होती है सब अपना थिंकिंग अपने पास रखते हैं और फिर मतलब जिसका जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकलता है निकालते हैं। बस वही चीज़ मैं समझती हूँ। द्वार पर बैठी हुई हूँ, मेरी बहन भी बैठी हुई है, मेरी बहन रीना। हम दोनों बहनें यहाँ पर बैठ के ऐसे ही मतलब नेचर एंजॉय कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। तो बस वही। और चंदा मामा भी बहुत प्यारे निकले हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अभी चंदा मामा बहुत प्यारे निकले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसा सूरज भगवान निकलते हैं ना सुबह सुबह, वैसे ही शाम के टाइम चंदा मामा निकले हुए हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है ठंडी ठंडी। और ये छोटी सी बछड़ी है जो मेरे मामा घर से गाय आई हुई है ना, मेरी मम्मी को दहेज में जो गाय मिला हुआ है उसकी बेबी है ये। ये छोटी सी है और अभी देखिए कैसे खा रही है, इतनी क्यूट लग रही है, इतनी क्यूट लग रही है कि क्या बताऊँ। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दुलार प्यार किया। और ये नई वाली है, जो नई बछड़ी दी है ना गाय, वो वाली है। इसको आप लोग देखे थे, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। सच में ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्यारी है। देख सकते हैं आप लोग, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, एकदम क्यूट लगती है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि इसके माथे पर ना दिल का निशान है, जो कि बहुत प्यारी है। इसकी मम्मी है, इसी का बच्चा है वो, जो छोटी वाली बेबी है अभी नई। और मम्मी अभी संध्या आरती कर रही हैं यहाँ पे, मम्मी जा रही हैं भगवान जी को संध्या आरती करने। मतलब हम लोग के यहाँ भोजपुरी लैंग्वेज में बोला जाता है दिया जलाना, तो मम्मी अभी दिया जला रही हैं भगवान जी का, संध्या आरती करी हैं, द्वार पे गई हैं मम्मी भगवान जी को दिया जलाने दिखाने के लिए। और चंदा मामा इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। हमारे गाँव की शाम कुछ इस तरह की होती है, सुकून वाली शाम, एकदम शांत शांत वाली शाम, एकदम बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं द्वार पर से जा रही हूँ घर, क्योंकि काफ़ी मतलब शाम हो गई है, लगभग 7 बज रहे हैं। तो अभी सोची कि चलो घर चलती हूँ, यहाँ पे घड़ी लगा हुआ है उसी में मैं टाइम देख रही हूँ, तो लगभग 7:10 हो रहे हैं। तो मैं सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, कुछ काम वाम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करना है वो सब भी करते हैं। टीवी चल रहा है, जैसे ही घर आई हूँ देखी हूँ कि टीवी चल रहा है, टीवी पे ये कोई नया प्रोग्राम आया हुआ है, अभी नाम रह जाएगा, पता नहीं कौन सा है, मुझे नहीं पता। तो यही वाला सीरियल शो है, ये नया प्रोग्राम आया हुआ है टीवी पे, स्टार प्लस पे, जो कि बैठ के अभी दादी देख रही हैं। जब भी टीवी चलता ना दादी एकदम गौर से देखती हैं, एकदम एकटक से, मतलब अच्छा है, दादी लोग को मन लगा रहता है। और ये चना है छोटा छोटा सा जो मम्मी फुलाई हैं सब्जी बनाने के लिए, काबली चना है ये। तो मैं इसके कटोरी में, मिट्ठू के कटोरी में डाल के मिट्ठू को दे दे रही हूँ, क्योंकि ये जब भी मुझे देखता है ना चिल्लाना शुरू करता है कि दीदी जल्दी से मुझे खाना दो, जल्दी से मुझे खाना दो। तो मैं मिट्ठू को दे दी हूँ चना और देखिए कैसा चना खाने लगा। कुछ चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे तो ये सब चीज़ें खाता है लेकिन चना बहुत ज़्यादा पसंद है इसको। और मैं आ गई हूँ अभी खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में क्या क्या बन रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे पनीर कट के रखा है मैंने, और मशरूम काट के रखा है मैंने, प्याज टमाटर हरी मिर्च काट के रखा है मैंने। तो आज पनीर और मशरूम की सब्ज़ी बनेगी। और ये है चना वाला, काबली चना है जो मम्मी फुला के रखी थी। तो आज इन सब का सब्ज़ी बनेगा, अभी मैं ही बनाऊंगी। इधर खीर बन रहा है, मम्मी खीर बना रही हैं, चांदनी मम्मी का हेल्प कर रही है। अब हमारी गाय जो है दूध देती है ना, तो घर का दूध हो गया है तो बहुत अच्छा से मतलब अच्छा खीर बनता है, बहुत सिर्फ दूध का ही खीर बनता है। और रात का टाइम है, देख सकते हैं आप लोग, आज ना हमारे गांव में दो दो जगह शादी है, मतलब हमारे मोहल्ले में ही दो घरों में शादी है। एक इधर शादी है यहाँ पे, अभी आप लोग को जहाँ दिख रहा है बहुत सारे मरकरी जल रहे हैं, और एक इधर इधर भी देखिए बहुत सारे लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। आजकल हमारे गाँव में मोहल्ले में डेली किसी के ना किसी के घर में शादी होती है, तो शादी आज दो दो घर में। और मम्मी खीर बना रही हैं, तो यहाँ पर चीनी और किशमिश और ये नारियल काट के मम्मी रखी हैं, जो कि अभी खीर में डाल रही हैं, खीर बना रही है मम्मी। पता है मम्मी के हाथ का खीर इतना ज़्यादा अच्छा होता है, मेरे हस्बैंड को भी मेरी मम्मी के हाथ का खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। वो जब भी आते हैं बोलते हैं मम्मी का हाथ का खीर खाना है मुझे, और वहाँ भी रहते हैं ससुराल में भी जब मैं रहती थी तो वहाँ पर वो बोलते थे कि रवीना तुम्हारी मम्मी का हाथ का खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मम्मी एकदम दूध वाला खीर बनाती है ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। खीर बनकर तैयार हो चुका है, खीर मम्मी थोड़ा मतलब ढीला सा ही बनाई है, ज़्यादा टाइट नहीं करी है, क्योंकि ना फिर दूध सूख जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग बोले कि थोड़ा गीला ही बनाना मम्मी, तो खीर गीला ही बनाई है मम्मी। और इधर चना दाल मम्मी फुला के रखी हैं उबाल के,
आज चना दाल वाला पूरी बनेगा, चना दाल वाला पराठा बनेगा, खीर पूरी सब्जी बनने वाला है। तो अभी मम्मी चना दाल को पीसेंगी और मैं सब्जी बनाना शुरू कर दी हूँ। खीर भी मिट्टी के चूल्हे पे ही बना, तो मिट्टी के चूल्हा पे खीर बन चुका है और अब मैं सब्जी बनाना शुरू की हूँ। पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी और काबली चना की सब्जी, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा बने, टेस्टी बने। तो अभी मैं बनाना शुरू कर दी हूँ। और कभी कभी मिट्टी के चूल्हा पे भी खाना बनता है, मम्मी बनाती हैं, जैसा मम्मी को अच्छा लगता है वैसे ही। तो मैं सब्जी बना रही हूँ अभी और मम्मी इधर सिलबट्टा पे पीसने लगी हैं दाल, चना वाला दाल जो मम्मी फुला के रखी थी वो वाला सिलबट्टा पे पीस रही हैं। वैसे तो मिक्सी में भी पीसा जाता है, लेकिन मेरी मम्मी को बिल्कुल भी बैठे हुए मन नहीं लगता, तो कोई ना कोई काम ढूंढे रहती हैं। और अभी फ़ोन पे बात कर रही हैं शारदा बुआ से। ये रोशन आया हुआ है मेरा भाई, ये जो रोशन देख रहे हैं आप लोग इसको, मेरे भाई को, ये मेरी शारदा बुआ का बेटा है। तो शारदा बुआ अभी फ़ोन की हैं तो मम्मी से बात करी हैं। अभी मम्मी और शारदा बुआ दोनों लोग बेस्ट फ्रेंड है, तो मम्मी बात करी है बुआ से। और मैं सब्जी बना चुकी हूँ इधर, चना मशरूम और पनीर की सब्जी। कोशिश की हूँ अच्छा बनाने का। पता है मेरे से मिट्टी वाले चूल्हा पे खाना बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें आँच लगातार लगता है ना। मम्मी को एक्सपीरियंस है लेकिन मुझे उतना नहीं है। सब्जी बनकर रेडी है, देख सकते हैं आप लोग। मशरूम की सब्जी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है मशरूम का सब्ज़ी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, अब मैं इसको ढक कर रख देती हूँ, जिसको भूख लगेगी वो खाएगा। खीर भी बन ही चुका है, पराठा बन रहा है, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए पराठा बन रहा है, ये दाल वाला पराठा। पूरी बनने वाला था, दाल पूरी बनने वाला था, कचौरी, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, क्योंकि डेली डेली ना फिर ऑयली ऑयली हो जाता है, तो वो फिर डाइजेशन प्रॉब्लम होता है सबको। भाभी बना रही हैं अभी गैस चूल्हे पे दाल वाला पूरी, और मैंने खीर बना दिया है, मम्मी ने खीर बना दिया और मैंने सब्जी बना दिया। और अभी मैं खीर और पानी मिट्ठू को दे रही हूँ, मिट्ठू नाच रहा है, इसको भी खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये नाच रहा है कि मैं भी खीर खाऊँगा दीदी, मैं भी खीर खाऊँगा। तो इसको मैं खीर दी हूँ और देखिए कैसे चाव से खा रहा है। और कुछ दीजिएगा ना तो उतना प्यार से नहीं खाता, लेकिन जब आप खीर इसको दीजिएगा या फिर चना दे दीजिएगा ना, बहुत प्यार से खाता है। पानी भी मैंने इसको दे दिया, अपना खाते पीते रहेगा। और खाना वाना खाने के बाद मैं, मम्मी, हम दोनों आ गए हैं द्वार पे। गाय को रोटी खिला रही हैं मम्मी। ये अभी वही वाली गाय है जो अभी बच्चा दी है, नया नया जो बेबी है इसके। और डगी को देखिए कैसे मम्मी के पीछे पीछे घूम रहा है, इसके लिए भी मम्मी रोटी लेके आई हैं। तो मम्मी इसको भी रोटी दे दी है, ये भी पीछे पीछे। और ये देखिए छोटा वाला बेबी जो कि बहुत ही क्यूट लगता है, इसका नाम अभी हम लोग नहीं रखेंगे, अभी हम लोग इसका नाम। और ये मम्मी इसके मुंह में मास्क लगा रही है, इसको जाब बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, ये जाब है। ये जाब मम्मी इसके मुंह में इसलिए लगा दी क्योंकि ना ये मिट्टी खाती है बैठे बैठे। और ये इसकी फ्रेंड है, बड़ी वाली बछड़ी, दोनों यहाँ पे अपना बैठी रहती हैं। इसके मुंह में जाब लगा दी मम्मी क्योंकि ये मिट्टी ना खाए, इसीलिए। रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ टहलने के लिए। मेरे साथ चांदनी भी आई है, चांदनी पीछे खड़ी है, तो अभी हम लोग टहलेंगे, है ना चांदनी, क्योंकि बहुत मोटे होते जा रहे हैं हम लोग। कितने भी कोशिश कर रहे हूँ थोड़ा सा कंट्रोल में रहूं, वेट जो है मेरा वो कंट्रोल में रहे, बट हो नहीं पा रहा है पता नहीं क्यों। तो अभी टहल रही हूँ मैं, हाफ रही हूँ। और कल दिन में, मतलब कल सुबह में, मैं पूरा छत साफ करूँगी, है ना चांदनी। चांदनी मेरा हेल्प करेगी, कल सुबह में मैं और चांदनी मिलके पूरा छत साफ़ कर देंगे हम लोग, क्योंकि छत भी काफ़ी गंदा हो गया है। और कल सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। अभी टहलती हूँ, कल सुबह मैं मिलूंगी, है ना चांदनी। सुबह में मिला जाएगा ना। चांदनी भी टहल रही है। रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं आई हूँ अपने रूम में सोने के लिए। और देख सकते हैं आप लोग खिड़की के बाहर चंदा मामा कितने प्यारे दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे से दिख रहे हैं। जब भी अंजोरिया चलता है ना, हम लोग भोजपुरी लैंग्वेज में जब चंदा मामा पूरा निकलते हैं उस टाइम को हम लोग अंजोरिया बोलते हैं। तो जब भी अंजोरिया चलता है ना, तो चंदा मामा एकदम खिड़की के पास दिखते हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ छत पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि छत भी काफ़ी गंदा हो गया है। तो मैं सोची कि चलो आज छत पे भी झाड़ू लगा देती हूँ, छत को भी साफ़ कर देती हूँ। और कल का व्लॉग आप लोग देखे होंगे, मैंने पूरा नीचे का घर साफ़ किया था, रूम साफ़ किया था। आज मैं छत पर वाला रूम साफ़ करती हूँ। छत पर भी एक रूम है, ये नॉन प्लास्टर है, अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, तो इसको भी मैं साफ़ करी हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो गया है। हफ्ते में एक दिन मैं छत पर झाड़ू लगा दिया करती हूँ, छत को भी अच्छे से साफ़ किया करती हूँ, ताकि छत भी साफ़ सुथरा रहे।
लेकिन इधर बीच मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, आज टाइम मिला है। वैसे तो कल संडे को ही मैं साफ़ करती छत को, लेकिन कल मैं पूरा घर पूरा रूम साफ़ की थी नीचे, तो टाइम नहीं मिला था, बिल्कुल थक गई थी, तो इसलिए आज साफ़ कर रही हूँ। और कल के ब्लॉग पे एक कमेंट आया था कि तुम हमेशा जीवन भर मायके में ही सड़ते रहोगी, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग के जैसे सोच है। और रही बात सड़ने की, तो वो तो भगवान जानते हैं ना कि मैं मायके में सड़ूंगी कि क्या करूंगी, और आप नहीं जानते हो पूरा बात कि क्या बात है, तो फिर ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और भी बहुत सारे लोग बहुत गंदे गंदे निगेटिव निगेटिव कमेंट करते हैं कि ससुराल से लड़के आई हो, फरलाना ढीमा का, बहुत ख़राब लगता है पढ़ के, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी जैसे सोच है सोचिए, मैं क्या कर सकती हूँ, किसी को मैं ज़बरदस्ती मना थोड़ी कर सकती हूँ। गाइस तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ, छत पे हाँफ रही हूँ, जब मैं सीढ़ी पर चढ़ती हूँ ना हाँफने लगती हूँ, सांस फूलने वाली बीमारी है मुझे। आज है बुध पूर्णिमा, तो आप सबको बुध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिन है मंडे सोमवार, और छोटे थे जब हम लोग बचपन में, हम लोग सोचते थे कि बुध पूर्णिमा मीन्स बुध के दिन जो पूर्णिमा होता है ना, उसी को बुध पूर्णिमा बोलते हैं, तो हम लोग हंस रहे थे कि सोमवार के दिन बुध पूर्णिमा पड़ा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बुध पूर्णिमा मीन्स जो बुध भगवान है ना, जो बुध बौद्ध धर्म है, बुध भगवान उनका पूर्णिमा है आज, कोई बुध दिन वाला पूर्णिमा नहीं है, बुध भगवान का पूर्णिमा है। पूर्णिमा है, घर में सब लोग नहा रहे हैं, मम्मी बोलती है पूर्णिमा के दिन बिना नहाए कोई नहीं खाएगा। वैसे तो हम लोग घर में जितने भी लेडीज हैं सब लोग बिना नहाए कभी भी नहीं खाते हैं, लेकिन घर में जो बच्चे भी हैं ना, जैसे मेरे भाई लोग, अंकित सब लोग, तो मम्मी बोलती है पूर्णिमा के दिन सब लोग नहा धो के ही कुछ भी खाएंगे, जैसे चाय भी पीना है तो नहा धो के पिएंगे। दिन में भी वो छोटा वाला कीड़ा घूमता है ना। तो अभी मैं आई हूँ छत पे, आप लोग से थोड़ी सी बातें भी करूँगी और वीडियो भी एडिट करूँगी यहाँ बैठ के। आजकल मेरा यहीं डेरा है वीडियो एडिट करने का, तो यहीं पे मैं बैठ के वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद वीडियो को अपलोड करूँगी, उसके बाद पब्लिश करूँगी। थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ आजकल, इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है। और आप लोगों से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सा गुड न्यूज़ है बता दो रो बिना, आज मैं पक्का बता दूँगी आप लोग को, मतलब आज का ब्लॉग तो नहीं, कल के ब्लॉग में आप लोग को पता चल जाएगा। कल का स्पेशल ब्लॉग ही रहेगा जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करूंगी, और कौन सा गुड न्यूज़ है ये भी बता दूंगी। तो कल के ब्लॉग का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। कल के ब्लॉग पे कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए थे बीते हुए कल के ब्लॉग पे, जो कल मैंने ब्लॉग डाला था उस पर, तो नेगेटिव कमेंट्स का मैं उतना ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, माइंड नहीं करती हूँ, जिसकी जैसी सोच है भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, किसी का सोच तो नहीं बदल सकती हूँ ना, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जितनी गंदी बातें बोलनी है बोलो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा हर्ट होता है, थोड़ा सा मैं सैड हो जाती हूँ, इंसान हूँ मैं भी, नेचुरली किसी को भी कुछ गलत बोला जाए तो थोड़ा बुरा लगता है, बट फिर भी उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आपकी सोच है, अगर आप किसी को गलत कमेंट करते हो तो उससे आपकी सोच पता चलती है, ना कि सामने वाले की, तो ठीक है, आपको जैसा भी समझ में आता है, अच्छा बुरा जो भी समझ में आता है बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग जो है अब यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। कल का व्लॉग का इंतजार कीजिएगा, कल मैं बता दूँगी कि कौन सा गुड न्यूज़ है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एंड जय हिंद जय भारत।